कोरोना संक्रमण से मौत के बाद अपने ही उनका दाह संस्कार करने से घबरा रहे हैं। प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन मृत होने के बाद संक्रमण का कोई खतरा नहीं रहता है। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनकराज का कहना है कि कोरोना वायरस सांस के जरिए बाहर आता है, ऐसे में मृत शरीर से संक्रमण फैलने का खतरा नहीं होता है। ये समय समय पर WHO द्वारा इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। लोगों में ये भ्रम फैला हुआ है कि शवों से कोरोना फैल सकता है, जिसके चलते लोग अपने सगे संबंधियों का अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं होते। उन्होंने कहा कि IGMC में इन दिनों हर रोज कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हो रही है और यहां से शव को पूरी तरह से बंद कर भेजा जाता है और लोग यदि चाहें तो वो अपने पैतृक गांव भी ले जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि कोरोना केवल और केवल एरोसोल से फैलता है। एरोसोल से मतलब ये हुआ कि ये सांस के माध्यम से संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। जब व्यक्ति मृत हो जाता है, मृत शरीर से किसी भी तरह की कोई सांस, इस तरह की श्वसन की कोई गतिविधियां नहीं होती हैं, इसलिए मृत व्यक्ति के शरीर से संक्रमण फैलने का सवाल ही नहीं उठता। और ये भारत सरकार के द्वारा और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा समय समय पर ये निर्देश और सारी गाइडलाइन भी जारी की जाती रही हैं कि डेड बॉडी से किसी भी तरह का कोई संक्रमण दूसरे व्यक्तियों को नहीं होता। फिर भी ना जाने क्यों हमारे समाज में, पूरे देश भर में लोगों ने इस बात को अदरवाइज ले लिया है और लोग जितना कोरोना से डरना चाहिए, कोरोना से तो लोग डर नहीं रहे हैं पर डेड बॉडी से बहुत ज़्यादा लोग डर रहे हैं। और वो डर के कारण कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो अपनी मानवीय संवेदनाएं और हमारी जो सामाजिक दायित्व हैं उनको पूरा करने से पीछे हट रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ये समाज के लिए शर्म की बात है। देखिए, हम शुरू से होती है मृत्यु होने के बाद उस बॉडी को पैक कर दिया जाता है एक लीक प्रूफ बैग में, वह भी एहतियातन किया जाता है क्योंकि मरने के बाद हमारे शरीर में गैसियस डिस्टेंशन होती है, शरीर फूलने लगता है और अलग अलग छिद्रों से अलग तरह के स्राव होने लगते हैं, तो वो फ्लूइड जो हैं वो किसी और संक्रमण को फैला सकते हैं, कोविड नहीं तो किसी दूसरी बीमारी को फैला सकते हैं, इसलिए उसको लीक प्रूफ बैग में डाला जाता है। और उस बैग को, जैसे वो कोविड वार्ड से वो बैग चीज निकल के आता है, इसलिए उस बैग को पहले हाइपोक्लोराइट से स्प्रे किया जाता है पैक करने के बाद, ताकि किसी भी तरह का संक्रमण उस बैग में टच किया हो तो वो लोगों को ना लगे। और दूसरी बात जो आपका सवाल था, इस पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, ऐसे कोई निर्देश नहीं है कि परिवार वाले दाह संस्कार नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। जब भी किसी व्यक्ति की यहाँ पर मृत्यु होती है तो हम उसके परिवार वालों से ये पूछते हैं कि आप बताएं अगली व्यवस्था कैसे की जानी है। अगर आप अपने स्तर पे अपने रिश्तेदार का, मरीज का दाह संस्कार करवाने की व्यवस्था करना चाहते हैं तो आप करिए, और अपने पैतृक स्थान पे अगर आप ले जाना चाहते हैं, जैसे ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, पूरे प्रदेश भर से यहाँ लोग आते हैं, तो कई बार दूसरे जिलों से भी मरीज यहाँ पे आते हैं, तो जब हम उनके अटेंडेंट को बोल देते हैं कि आप पर निर्भर करता है, अगर आप अपने मरीज के बॉडी को अपने पैतृक निवास ले जाना चाहते हैं, अपने हिसाब से आप दाह संस्कार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो जेनेसिस कोचिंग इंस्टीट्यूट, नगरोटा भगवान, कांगड़ा।